किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, असल में जिंदगी बहुत कुछ मिलने के बाद बहुत कुछ करने का नाम नहीं है। जिंदगी नाम है जज्बों का। जब आपके पास कुछ भी नहीं हो, जब आपके साथ कोई भी नहीं हो और आप में एक जज्बा हो कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का, अपने लिए नहीं, सिर्फ सोच रखने का कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे दूसरों को भी मैं उसका बेनिफिट मिले। सोच ऐसी रखनी चाहिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन हौसला तो है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल फैशन ग्लज़ा पे आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल। मैं सलमा सिद्दीकी आप सबके सामने अपनी छोटी सी लाइफ की छोटी सी स्टोरीज को शेयर करने आई हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आप सबका भरपूर प्यार मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा और ये सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो हो गया था वक्त सहरी का, आज पूरे 10 रोज़े पूरे हो चुके हैं, 11वें रोज़े की हमें सहरी करनी थी। तो आज सहरी में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, सिंपल चाय के साथ ऑमलेट बनवा ली थी और बस ऑमलेट एक स्लाइस के साथ ली, क्योंकि रात को देर से मैंने खाना फिर से खा लिया था। रमज़ान में यही होता है, जब रात भर काम होता है तो फिर खाना पीना चलता रहता है। तो सहरी की और उसके बाद फिर नमाज पढ़ी, फजर की दुआ करी, जिक्र किया, फजर के बाद उठना सोना होता है तो फिर कुछ घंटों की नींद लेकर मैं उठी एंड फिर से अपने दिन की जो शुरुआत थी बुटीक के काम की वो करना शुरू कर दिया और इसी में हो जाती है शाम। मैंने जल्दी जल्दी से जो कस्टमर्स के कपड़े आए थे उनको मैंने सेट करके रखा। कल मैंने जो डिज़ाइन किया था कुर्ता, उसको भी मुझे उसकी वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, तो फिर मैंने उसकी उसे हैंग करके उसकी वीडियो रिकॉर्ड करी और इन सब में असर का टाइम हो गया। और फिर से नमाज अदा करने के बाद हम लग गए काम पर। छोटे दिन इतने हो गए कि पता ही नहीं चलता कब असर होती है और कब फजर होती है, और देखते ही देखते टाइम नहीं पता चला और फिर से टाइम हो गया था इफ्तार का। तो अलीज़ा इफ्तार का दस्तरखान पे सब चीज़ें रखने लग गई थी तो मैं जल्दी से आई, बज चुके थे 6:30 और 6:40 पे इफ्तार का टाइम था, तो जल्दी से फिर वज़ू बना के हम आ गए और खाना रखने के बाद हमने फिर साथ में मिलके दुआ करी और बहुत सुकून मिलता। रोज़े की हालत में कभी भी दोस्तों ऐसा फील नहीं आता कि हमें भूख लग रही है या प्यास लग रही है या हमें कमज़ोरी महसूस हो रही है, क्योंकि हकीकत भी यही है कि खाना तो हमारे शरीर की ग़िज़ा है, हमारे शरीर की ज़रूरत है, लेकिन रोज़ा हमारी रूह की ग़िज़ा है। तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो एक कहीं ना कहीं हमारी रूह की जो खुराक होती है हमें वो मिलती है, तो हमारी रूह अंदर से तरोताज़ा हो जाती है। क्यों नहीं हमें भूख प्यास का एहसास होता, वो इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी रूह को जो खाना है वो मिल रहा होता है, उसकी ग़िज़ा मिल रही होती है। फिर हम सब ने बैठ के रोज़ा इफ्तार किया और फिर से हम सब लग गए अपने कामों में। मैं आपके साथ फिर से अपने किसी दिन की रूटीन फिर से शेयर करूंगी और इसी तरीके से अपने विचारों को भी हम एक दूसरे के साथ बांटेंगे। जैसा कि व्रत भी चल रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस भी मुझसे ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें। प्यारे दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी फिर मिलेंगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।